हेलो टेकिस, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक्निकल आश्रम। सो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके कि हमें आखिर इंटरनेट मिलता कैसे है और आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट वर्क कैसे करता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द वीडियो और इसी सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट वर्क कैसे करता है। सो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे यूजर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि यार एग्जैक्टली अगर हम वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जो भी कंपनीज है उनको पर मंथ का रेंटल देते हैं 300 रुपये, 500 रुपये, वो एग्जैक्टली पैसा जाता कहाँ है, ये कंपनीज किसको पैसा देती है। सो फ्रेंड्स, इन सब सवालों का आपको इस वीडियो में आंसर मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करता हूँ कि एग्जैक्टली इंटरनेट वर्क कैसे करता है और आप तक कैसे पहुँचता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो यूट्यूब पे, सो यूट्यूब पे ये वीडियो कई लाखों किलोमीटर दूर सर्वर से आप तक पहुँच रहा है। सो ये बात तो फिक्स है कि आपके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन तो ज्वाइंट है। सो फ्रेंड्स, ये फिजिकल कनेक्शन ज्वाइंट है एक फायर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू, जो कि पूरे वर्ल्ड के समुद्र में लगाए हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनी से इंस्टॉलेशन करके। सो फ्रेंड्स, ये बड़ी बड़ी कंपनी है कौन? AT&T है, टाटा कम्युनिकेशन है, वेरिजोन है। इंडिया में टाटा कम्युनिकेशन पहले तक सिर्फ एक ही कंपनी थी जिसने अपने केबल्स ज्वाइन किए थे। अभी आ गया है रिलायंस जियो, रिलायंस से भी खुद ने अपने केबल्स इंस्टॉल किए हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो कंपनीज है वो काफ़ी खर्चा करके अपने केबल्स जो कि है वर्ल्ड के सीज में डालती है, इंडिया में डालती है, और उसके थ्रू हमें नेट मिलता है। सो फ्रेंड्स, इसमें 3 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर एंड थर्ड टायर। फर्स्ट टायर में ऐसी कंपनीज आती है जो खुद के पैसे खर्च करके अंदर केबल इंस्टॉल करती है, जो कि है टाटा कम्युनिकेशन, वेरिजोन, रिलायंस और अलग अलग है AT&T। सो फ्रेंड्स, ये कंपनीज खुद के इंस्टॉलेशन करती है। और फिर सेकेंड टायर में कंपनीज आती है जो कि नेशनल लेवल पे आती है, जो कि है आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब कंपनीज है। वो परचेस करती है नेट फर्स्ट टायर से कि उनके थ्रू उनको नेट मिलता है, उनके केबल्स के थ्रू उनको उनके नेटवर्क तक कनेक्शन पहुँचता है। और लास्ट में आता है थर्ड टायर, जो कि आप ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, जैसे कि है यू ब्रॉडबैंड, हैथवे, GTPL, बहुत अलग अलग ब्रॉडबैंड से काफ़ी सारे, किसी के तो हमें नाम भी नहीं पता होंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो कंपनीज है वो परचेस करती है नेट सेकेंड टायर से, जो नेशनल लेवल्स कंपनीज है, जैसे कि यू ब्रॉडबैंड है वो नेट परचेस करता है वोडाफोन से, अभी उनका टाइप हुआ है वोडाफोन के साथ। सो वोडाफोन उनको नेट सप्लाई करता है और उसके थ्रू हमें नेट मिलता है घर में ब्रॉडबैंड पे। सो फ्रेंड्स, ये सारे लेवल्स है कि इसके थ्रू हमें नेट मिलता है अपने घर तक। सो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि स्पीड हमें कैसे मिलती है। तो स्पीड ऐसा होता है कि जैसे कि मैं, आप पे कर रहे हैं वोडाफोन को 100 Mbps की स्पीड के लिए और मैं कर रहा हूँ वोडाफोन को 10 Mbps की स्पीड के लिए। सो फ्रेंड्स, आप 100 Mbps की स्पीड के लिए पैसे भर रहे हो वोडाफोन में, सो वोडाफोन पहले आपको ट्राई करेगा कि बहुत ही शॉर्टेस्ट वे के थ्रू आपको नेट मिले और जिसमें थोड़ा बहुत पैसा वोडाफोन का लग जाए और काफ़ी अच्छे से आपको स्पीड मिल जाए। और 10 Mbps की स्पीड में मुझे कई दूर से कनेक्शन मिलेगा और उसके थ्रू आपको वोडाफोन नेट देगा। सो फ्रेंड्स, और उसके थ्रू वोडाफोन मुझे नेट देगा। सो फ्रेंड्स, यही है पूरा कम्युनिकेशन जो कि चल रहा है सिर्फ वर्ल्ड के केबल्स पे, फाइबर ऑप्टिक केबल्स पे ये सब पूरा चल रहा है। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली इंटरनेट का मालिक कौन है और एग्जैक्टली पैसे जाते कहाँ से है। सो फ्रेंड्स, जो भी पैसे जाते हैं वो जाते हैं वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज में जिसने खुद के केबल्स इंस्टॉल किए हैं समुद्र में, जो कि है AT&T, वेरिजोन, जैसे कि मैंने आपको बताया, और रिलायंस इंडिया में ये सब रेट्स लेके आ गया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि रिलायंस एग्जैक्टली हमें दे रहा है 350 रुपीज़ पर मंथ में, 350 रुपीज़ में 3 मंथ्स के लिए नेट। सो दूसरी कंपनीज क्यों नहीं दे पा रही? सो बिकॉज रिलायंस जियो के खुद के केबल्स इंस्टॉल्ड है समुद्र में, उसकी वजह से रिलायंस आपको काफ़ी कम रेट में नेट दे पा रहा है। और दूसरी कंपनीज है जो कि उनके केबल्स इंस्टॉल्ड नहीं है उनके, सो जो भी टाटा कम्युनिकेशन है, रिलायंस है, ये सब कंपनीज इनके पास से केबल्स परचेस करते हैं, नेट्स परचेस करते हैं कि भाई हाँ इस मंथ मुझे इतना GB का ट्रांजेक्शन होगा, सो आपको मुझे इतने GB देने होंगे, उसके पैसे मैं आपको दे दूंगा। सो वो नेट हमें दूसरी कंपनी से हमें मिलता है। सो रिलायंस इसीलिए हमें चीपेस्ट रेट में नेट दे पा रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे जो भी आपके सवाल है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आऊँगा कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निकल न्यूज़। सो फ्रेंड्स, टिल देन दिस इज अभी साइनिंग ऑफ, और अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप
और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज रिव्यूज को भी कोई भी क्वेश्चंस हो वो नीचे पोस्ट करना मत भूलिएगा। और बहुत ही जल्द आपके लिए वीडियो ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा और रोजाना लेके आता रहता हूँ टेक वीडियोस आपके लिए। सो अगर आपने अभी तक टेक्निकल एक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके नीचे रेड बटन से सब्सक्राइब कर दो, स्मैश कर दो रेड बटन को और बाजू में बेल आइकॉन होगा सो उसको भी दबा देना। सो जिसकी वजह से कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, रोज वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि टेक्निकल एक्शन ने वीडियो अपलोड किया है, जाके हम फटाफट देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स टाटा बाय बाय, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों तक ये नॉलेज पहुंच पाए कि आखिर इंटरनेट वर्क कैसे करता है, और दूसरे भी जो भी फ्यूचर टेक वीडियोज आएंगे वो लोग भी सब देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।